तो दोस्तों इस मंदिर को देखिए, कहा जाता है कि भूतों ने इस मंदिर का निर्माण किया था और भूत प्रेतों ने केवल एक रात में इस मंदिर को खड़ा कर दिया था। देखने वाले लोग भी इस मंदिर की बनावट को देख के चौंक जाते हैं। ये मंदिर हजारों साल से ज्यों का त्यों खड़ा है। तो दोस्तों ये भगवान शिव भोलेनाथ का मंदिर है और इस मंदिर को अभी ककनवठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के सिहोनिया शहर में है। आइए जानते हैं कि क्या है इस मंदिर के पीछे की कहानी। तो भगवान महादेव, जिनका नाम भूतनाथ भी है, वह न सिर्फ देवी देवता और इंसानों के भगवान है बल्कि भूत और दानवों के भी भगवान माने जाते हैं। महाशिवरात्रि, जिस दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था, उसके बारे में शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी के विवाह में भूत प्रेत सभी बराती बनकर गए थे और सभी उनकी आराधना करते हैं। और भगवान शिव भूत प्रेतों के साथ शमशान में भी रहते हैं और वहां तपस्या भी करते हैं। और कहा जाता है कि यह ककनवठ मंदिर भूत प्रेतों ने भोलेनाथ की पूजा के लिए ही बनाया था। बड़े बड़े पत्थरों से बने इस मंदिर का निर्माण किसी भी तरह के सीमेंट या फिर चूने का प्रयोग करके नहीं किया गया है। सभी पत्थर बस एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। एक बार देखकर तो मन में यह भी सवाल उठता है कि कहीं यह मंदिर गिर ना जाए, लेकिन यह मंदिर हजारों वर्षों से अपने स्थान पर ही खड़ा है। मंदिर के आसपास बने सभी छोटे छोटे मंदिर नष्ट हो गए, लेकिन इस मंदिर पर अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और मंदिर के बारे में कमाल की बात यह है कि जिन पत्थरों से यह मंदिर बना है, आसपास के क्षेत्रों में यह पत्थर नहीं मिलता है। कहते हैं कि कहीं दूर से खाली मैदान से पत्थरों को लाकर भूतों ने एक रात में इस मंदिर का निर्माण कर दिया था। और इस मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि इस मंदिर का निर्माण अचानक से छोड़ दिया गया हो। स्थानीय लोग बताते हैं कि मंदिर बनाते बनाते सुबह हो गई, इसीलिए मंदिर बनाने का काम अधूरा छोड़कर भूत प्रेत चले गए। और दोस्तों जब आप करीब से इस मंदिर को देखोगे तो इस मंदिर में जितनी भी मूर्तियां बनी हुई हैं, लगभग सबके चेहरे टूटे हुए हैं और इसके बारे में भी कोई नहीं जानता कि किसने इन मूर्तियों के चेहरे तोड़े हैं, या फिर ये भी स्पष्ट नहीं है कि इन मूर्तियों का चेहरा बनाया गया था या फिर नहीं बनाया गया था। इसके अलावा इस मंदिर के पास के गांव में रहने वाले लोगों का यह भी कहना है कि यह मंदिर हमेशा से उनकी रक्षा करता आया है। चाहे बाढ़, सूखे, ओले या फिर भारी वर्षा आदि कुछ भी आ जाए, यह मंदिर उनकी गांव की रक्षा करता है। गांव के लोगों ने बताया कि जब बाकी देश में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तब भी यहां पर किसानों को कोई समस्या नहीं आती, केवल इस मंदिर की वजह से। लेकिन इतिहासकार गांव के लोगों की बातों को सच नहीं मानते। इतिहासकारों का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में कछवाहा वंश के राजा कीर्ति सिंह के शासनकाल में हुआ था। राजा कीर्ति सिंह और उनकी पत्नी रानी ककनावती भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और इसीलिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर का नाम रानी के नाम पे ककनमठ मंदिर भी रखा गया था। तो अलग अलग लोग इस मंदिर को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कुछ लोग ककनमठ मंदिर कहते हैं, वहीं कुछ लोग इसको भूतों वाला मंदिर भी कहते हैं और महाशिवरात्रि पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं। तो दोस्तों आपके क्या विचार हैं इस मंदिर के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। क्या इस मंदिर को भूतों ने बनवाया था या फिर राजा कीर्ति सिंह ने बनवाया था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।